गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास एट का आपका है चैप्टर वन का सेकेंड पार्ट होगा नेटवर्किंग के बारे में हम लोग ने पढ़ा था नेटवर्क क्या होता है ठीक है अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग नेटवर्क कंपोनेंट्स में हम लोग नेटवर्क कार्ड के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं एक बार इसको देख लेते हैं जो नेटवर्क कार्ड जो होता है ना एक फिजिकली अटैच होता है आपके कंप्यूटर नेटवर्क से जो आपको एबल बनाता है या यू कहें कि जो आपको सक्षम बनाता है कि आप नेटवर्क से कनेक्ट हो सके और आप अपने रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं जिसमें सबसे कॉमन है वो इथरनेट कार्ड है इथरनेट नेटवर्क कार्ड है दूसरा चीज है आपको केबल्स केबल्स यानी कि वायर केबल्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड ऑन ए नेटवर्क केबल्स जो होता है वो आवश्यकता होती है आपको कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए और को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए जोड़ने के लिए वेरियस काइंड ऑफ केबल आर केबल्स कैन बी यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड साइज ऑफ द नेटवर्क अलग अलग तरह के केबल्स को आप यूज कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा आपका कि आपका नेटवर्क का टाइप क्या है और साइज क्या है दे आर आर द इंफॉमेशन ट्रांसफर मीडियम ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क दे आर द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मीडियम ये क्या होते हैं जो केबल्स होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का एक मीडियम होता है आपके कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर तो कुछ कुछ केबल्स होता है केबल्स अलग अलग तरह के होता है जैसे कि को केबल होता है फाइबर ऑप्टिक केबल होता है टिस्टेड पेयर होता है अब हब एंड स्विचेस इसके बारे में आप लोग सेवन क्लास में भी पढ़ चुके होंगे हब क्या होता है स्विच क्या होता है नेटवर्क कार्ड आर यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा बींग ट्रांसमिटेड ओवर इथरनेट केबल्स जो नेटवर्क कार्ड जो होता है ना वो उसका यूज किया जाता है डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए और कहा किसके थ्रू वो ट्रांसमिट होता है इथरनेट केबल्स के थ्रू वेन ए नेटवर्क हैज मोर देन टू कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के पास अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर हो यानी दो से ज्यादा कंप्यूटर हो वी कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टूगेदर और हम उनको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं यानी कि चार पांच कंप्यूटर आपके पास तो उसको आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वी नीड ए इंटरफेस थ्रू विच द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड एंड सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा कैन टेक प्लेस और ऐसी सिचुएशन में आपको आवश्यकता पड़ती है एक ऐसे इंटरफेस की यानी कि ऐसे माध्यम की जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सके सारे कंप्यूटर को एक साथ और डाटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सके दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाई ए हब और ए स्विच और यह फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है आपको स्विच और हब के द्वारा हब्स वार दिफेर्ड मीडियम इन द अर्लियर टाइम बट नाउ स्विचेज आर बींग यूज बिकॉज ऑफ देयर बेटर इफिशियंसी यानी कि पहले हब हाँ का यूज ज्यादा किया जाता था अब स्विच का यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर स्विच के अंदर थोड़ी सी सिक्योरिटी भी बेहतर हो गया होती है और थोड़ा नेटवर्क को यानी कंप्यूटर का कनेक्ट करना भी आसान होता है तो हब हाँ और स्विच के बीच में डिफरेंस के बारे में भी आप लोग सेवन क्लास में जानते होंगे हब हाँ में क्या होता है कि जो डाटा हम सेंड करते हैं वो सारे कंप्यूटर्स के थ्रू होकर गुजरता है स्विच में क्या होता है कि जिस कंप्यूटर को हम डाटा सेंड करना होता है वो सिर्फ उसी के पास ट्रांसमिट करता है ठीक है अब है एक्सेस पॉइंट और राउटर्स एक्सेस पॉइंट या फिर राउटर हैव ए वायरलेस एंटीना विच इंक्रीज द कम्युनिकेशन रेंज ऑफ द रेडियो सिग्नल्स एक्सेस पॉइंट कैन ऑल्सो बी यूज टू ज्वाइंट ए वायर नेटवर्क दस मेकिंग द नेटवर्क ए कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क एज वेल एज वायरलेस नेटवर्क यानी कि जो राउटर जो होता है राउटर क्या होता है आपको एक एंटीना तरह तरह की तरह होता है एंटीना की तरह होता है जो आपकी कम्युनिकेशन रेंज को बढ़ाता है और रेडियो सिग्नल्स को यानी आपके कम्युनिकेशन का जो रेडियो सिग्नल्स है उनको बढ़ाता है एक्सेस पॉइंट जो होता है उसको आप दो वायर नेटवर्क को जोड़ एक साथ जोड़ने कनेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इस तरह से क्या होता है कि जो आपका नेटवर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो वायर्ड और वायरलेस दोनों के साथ होता है अब आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं नेटवर्क आर देखिए बहुत तरह से नेटवर्क होते हैं लेकिन ब्रॉडली इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नेटवर्क आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंस एज ए क्लासिफिकेशन मैट्रिक बिकॉज डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज एट द डिफरेंट स्केल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर एज फॉलो यानी कि नेटवर्क जो है वो उसका टाइप जो है उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और अलग अलग टेक्निक्स है उनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स को तो सबसे पहला है लैन लोकल एरिया नेटवर्क लैंड रेफर एंड टू ए नेटवर्क डेट कनेक्ट कम्प्यूटर जियोग्राफिकल स्कूल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इन ए स्मॉल एरिया इन दिस नेटवर्क कंप्यूटर टर्मिनल्स आर फिजिकली कनेक्टेड टू दिद वायर्स यानि की लैंड होता है लैंड का जो एरिया होता है वो कम होता है यानी कि एक लिमिटेड होता है कि स्कूल हो सकता है आपका एक बिल्डिंग हो सकता है या फिर एक ऑफिस हो सकता है तो ये लिमिटेड एरिया के अंदर होता है इसमें आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं उसके पेरिफेरल्स को कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसके एरिया जो होगा वो कम होगा इस नेटवर्क में क्या होता है कि सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो फिजिकली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से वायर के थ्रू ठीक है क्योंकि एरिया कम होता है तो कंप्यूटर नेटवर्किंग इसमें जो वायर के द्वारा होता है वायर के द्वारा यानी केबल्स के द्वारा उसके बाद है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क कवर्स ए सिटी और ए टाउन एक सिटी और एक टाउन को कवर कर सकता है यानी इसका डिस्टेंस लाइन से ज्यादा होता है द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ मैन इज द केबल टेलीविजन नेटवर्क अवेलेबल इन मेनी सिटीज और जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि पहले केबल टीवी जो होता था जैसे अभी डी के पहले तो अभी भी होगा बहुत सारे जो लोगों के पास भी होगा तो उससे क्या होता है कि वो एक या दो एक सिटी से ज़्यादा वो दो सिटी तीन सिटी तक उसको कनेक्ट करके रखते हैं केबल्स का यूज करते हैं और वो टेलीविजन पे जो भी नेटवर्क है उनको यूज करते हैं और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आप टीवी जो है केबल वाले चला सकते हैं जो नेटवर्क नेटवर्क उसके अंदर जो यूज किया जाता है केबल के अंदर यानी कि टेलीविजन केबल्स के लिए वो मैन हो सकता है बेस्ट एग्जांपल है आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इज वाइडर देन दैट ए लोकल एरिया नेटवर्क ये लाइन से बड़ा होता है ऑफ मतलब ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि ये दो या दो से मतलब लगभग दो शहर को ये जोड़ सकता है उसी तरह से आता है आपको वैन वाइड एरिया नेटवर्क दिस काट टू और मोर कंप्यूटर लोकेटेड एट फार अवे प्लेसेस यानी कि बहुत दूर की कंप्यूटर्स ये वैन जो है आपका ये काफी लार्ज एरिया को कवर करता है दे आर लिंक बाई दे आर लिंकड बाई कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक टेली कम्युनिकेशन और सेटेलाइट सिग्नल्स और ये कैसे जुड़े हुए थे अलग अलग फैसिलिटी के थ्रू चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो या फिर सेटेलाइट्स हो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैन टाइप ऑफ नेटवर्क इज टेलीकॉम सिस्टम और इसका एग्जाम्पल आप टेलीकॉम सिस्टम को देख सकते हैं यानी कि जैसे कि एक जियो जियो है तो उसका पूरे देश भर में उसका वाय नेटवर्क फैला हुआ है द यूज ऑफ वैन इज लिमिटेड टू ए वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी और वैन जो है वो लिमिटेड होता है किसके बड़े कोई बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनके लिए भी द मेन कैरेक्टर ऑफ वैन इज दैट इट रिक्वायर ए पब्लिक टेली कम्युनिकेशन मीडिया टू द ट्रांसफर डाटा ये एक पब्लिक कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है जिसके आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल वैन आर इंटरनेट इंटरनेट इन ए लार्ज मल्टी नेशनल कंपनी ए टी एम फैसिलिटी इन द रिजल्ट ऑफ वैन मल्टी नेशनल बैंक कस्टमर सर्विसेज ये सारे वैन के एग्जाम्पल्स हैं यानी कि आपका इंटरनेट और इंट्रानेट जो है वो इंटरनेट को सबको पता है वर्ल्ड वाइड पूरा फैला हुआ है ए टी एम फैसिलिटी जो है आपको वैन की वजह से अवेलेबल हो जाती है कि यानी कि पूरे देश भर में वो आपको एक ए टी एम एक कोई भी बैंक अपना ए टी एम चलाता है वो वैन के थ्रू चला सकता है चलाता है मल्टीनेशनल जो बैंक है कस्टमर सर्विसेज है यानी कि जैसे कि एस है तो यहाँ भी फैसिलिटी देती है आपको नेपाल में भी देती है अदर कंट्री में भी देती है उसी तरह से आई सी है यानी कि ये मल्टीनेशनल भी हो सकता है यानी कि सिंपल एग्जाम्पल में कहे कि यानी दुनिया भर के कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो है वैन के अंदर आता है इंटरनेट भी आपका उसी में से एक एग्जाम्पल है तो ये तीनों टाइप्स के नेटवर्क हो गए